हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड चैनल पर अपनी मैं अब ब्लॉग वीडियोज डे बाय डे अपलोड करते रहती हूँ। मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ एंड मैंने नया घर लिया है, सब कुछ अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी, तो उस चैनल पे भी जरूर जाइएगा। सेकेंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा आईडी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इजिली जा सकते हो वहाँ पे और देख सकते हो। एंड मेरी वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड जो भी न्यू प्रोडक्ट वगैरह मैं यूज़ करती हूँ उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जिससे आप इजिली उसको बाय कर पाओ एंड बहुत ही कम प्राइस में। और जो मैं लिंक दी रहती हूँ वहाँ से जाकर अगर आप उसको बाय करते हो तो आपको 20-40% तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो अभी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ पड़ गई है जिसकी वजह से मेरे बालों का ये हाल हो चुका है। एंड कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम आपके बाल खराब हो, तो डियर ख़राब नहीं हो, धूल मिट्टी धूप की वजह से ऐसे हो गए हैं, बट मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी एंड आपको दिखाऊँगी हेल्दी बालों को कैसे रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गर्मियों में ये दोनों हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है अपने बालों की इस तरीके से, और इसको ट्विस्ट करके मैं यहीं पे सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि ये हमको बन बनाने में डिस्टर्ब ना करें। दूसरी साइड भी, और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गए हैं, तो बहुत जल्दी कलर करूँगी, तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये मैं क्लिप लगा रही हूँ, उसकी आवाज़ है। अब आपको सारे बालों को ऊपर की तरफ लेना है और एक हाई पोनी टेल बना लेनी है। अच्छे से कॉम करना है, देन पोनीटेल बनानी है। काफ़ी कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है, पार्टी वार्टी के लिए भी यूज कर सकते हो, और नॉर्मली आपको घर पे रहना है, एवरीडे है, मार्केट जा रहे हो तो भी इसको यूज कर सकते हो, गर्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से किया है, देन यहाँ से थोड़े थोड़े से हेयर को खींचूंगी क्योंकि मेरे पे फ्लैट हेयर सूट नहीं करते हैं, तो इसलिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली डोनट बन लेंगे। ओके, डोनट बन को अपने पोनीटेल पे लगा देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बन को बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रबड़ बैंड नहीं यूज करना है। इस तरीके से करके सिंपली ट्विस्ट करते जाना है, ऐसे और भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपने, पतले हल्के बाल हैं और आपका बन नहीं बन पाता है, तो इस तरीके से डोनट बन की मदद से आप अपने पतले हल्के बालों को हैवी लुक दे सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है। जो भी बेबी है उनको आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लीजिएगा अगर आप पार्टी वार्टी के लिए बन बना रहे हो तो। चारों तरफ से मैं यूपिन से इसको पहले सिक्योर कर ली हूँ ताकि कहीं से जो हमारा हेयर स्टाइल है वो निकले नहीं। डोनट बन के साथ इस तरीके से यूपिन को लगा लिया है। अब क्या करना है, अब आपको एक साइड का इसको ओपन करेंगे। अगर आपको बीच की मांग रखनी है तो आप बीच की मांग रखो, साइड की रखनी है तो आप साइड की रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बीच की मांग के साथ ये हेयर स्टाइल बता दूँ। थोड़ा सा लेयर लेंगे बालों का, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आपस में इसको ट्विस्ट करेंगे। एक लेयर को नीचे की तरफ लेंगे और फिर से सेकंड लेयर उठाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको बनाते जाना है।
पूरा एंड तक इसको ट्विस्ट कर लेंगे। साड़ी के लिए भी बेस्ट रहेगा और पल्लू रखना है तो ये हेयर स्टाइल काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे और यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे देन आपस में ट्विस्ट कर देंगे। एक लेयर छोड़ेंगे फिर इसको मिक्स करते जाएंगे दूसरे लेयर के साथ। इनको फिर एंड तक ट्विस्ट कर देंगे। बैक साइड से लेके आएंगे और बन के चारों तरफ लपेट के पिन से सिक्योर कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल जो है वो डन हो चुका है। जहाँ जहाँ यू पिन की जरूरत लगे वहाँ पे आप लगा लीजिएगा। साड़ी के साथ, सूट के साथ एंड काफ़ी कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है। आप इसको इंडियन वेयर के साथ बना सकते हो, साड़ी के लिए, सूट के लिए, और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। इसके साथ आप झुमके और मांगटीका वगैरह कैरी करके पार्टी लुक देख सकते हो और एवरी डे में आप ऐसे भी बना के छोड़ सकते हो। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और पल्लू रखते हो तो काफ़ी कमाल का लुक देता है एंड आपकी हाइट को भी 1 से 2 इंच तक इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से आप पल्लू रख सकते हो। न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे हेयर स्टाइल के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। इसका फाइनल लुक जो है कुछ इस तरीके का है, बैक से भी कुछ इस तरह ऐसा दिखेगा। तो फिर मिलते हैं न्यू हेयर स्टाइल लेके। आज का जो हेयर स्टाइल था गर्मियों के लिए, सिर्फ एक डोनट बन की मदद से इतना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल आप बना सकते हो, वो भी सेल्फ है। तो आपको पार्लर जाके पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, खुद से आप ये हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।